हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने देसी गुलाब की कटिंग लगाई थी जो कि बहुत अच्छे से लग गई है मेरी कटिंग। और फ्रेंड्स, ये सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो इसमें गुलाब की कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। फ्रेंड्स, मैंने कटिंग के लिए ये एक दिन पहले कटिंग ली थी और उसको कटिंग करके पानी में डाल दिया था। और कटिंग आप पेंसिल साइज की लेंगे और उसमें 45 एंगल की कट लगा देंगे क्योंकि वो रूटिंग एरिया होता है। और फ्रेंड, इसमें हम अपनी कटिंग को ग्रो करेंगे। और डिस्पोजल गिलासेस में मैंने देखिए इस तरीके से होल कर लिया है ताकि वाटर ड्रेन हो सके। तो फ्रेंड, इसके लिए मिट्टी हमको चाहिए, कंपोस्ट चाहिए और सैंड सॉयल और गार्डन मिट्टी चाहिए। तीनों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इस तरीके से हम हर एक डिस्पोजल गिलास में भर लेंगे जिसमें आपको ग्रो करना हो। और यहाँ सेंटर में हम लोग इस तरीके से होल कर देंगे ताकि जो हम लोग कटिंग लगाएंगे इसमें से अच्छे से सेट हो सके। और जो हमारे रूट एरिया हो तो डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसमें होल कर देते हैं। और फ्रेंड्स, कटिंग लगाते समय ये ध्यान जरूर देते हैं कि राइट साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कटिंग उल्टी लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी कटिंग नहीं चली या ख़राब हो गई। तो एक रीज़न भी ये भी होता है कि आपकी कटिंग सही से नहीं लगती है, तो ज़रूर ध्यान दें कि राइट साइड और रॉन्ग साइड कौन सी है। और फिर इस तरीके से हर एक कटिंग हर ग्लासेस भी लगा देंगे हम। और फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के बाद आप कटिंग को बार बार चेक ना करें, इससे आपकी कटिंग हिल जाती है और कटिंग आपकी इससे भी नहीं सक्सेस होती है क्योंकि नए नए रूट्स आते रहते हैं उसमें, तो हिलने की वजह से रूट्स आपके टूट जाते हैं और आपका पौधा सूख जाता है। फ्रेंड्स, मैंने ये कटिंग ली थी जिसमें कली आने वाली थी, हल्की से भी बट निकली हुई है, तो मैंने सोचा इसको भी लगा कर देखते हैं, देखते मेरी कटिंग चलती है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से लगा के हम ऐसे दबा देंगे। उसके बाद में हम पानी सारा ऊपर तक भर देंगे गिलास के ताकि पूरी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। और फिर इस तरीके से हम इसको छांव में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये 6 दिन के बाद की वीडियो है। देखिए, जो मैंने कटिंग लगाई थी रोज़ की, इस तरीके से देखिए लीव्स नोड निकल आई हैं इसमें। इस तरीके देखिए, नीचे भी देखिए निकल रही हैं, अभी स्टार्ट हुई हैं। और इसमें भी देखिए, मतलब हर कटिंग में स्टार्ट हो गई हैं लीव्स की नोड निकलनी। और ये देखिए मेरी जो थोड़ी सी कली थी, आज देखिए प्रॉपर कली बन गई है। और ये 4-5 या 1 हफ्ते में खिल जाएंगी। देखिए अभी मेरी कटिंग है। सो फ्रेंड, मैंने 5 कटिंग लगाई थी, 5 मेरी सक्सेस होती नज़र आ रही हैं। फ्रेंड, ये देखिए 15 दिन के बाद का वीडियो है। वो देखिए इस तरीके से इसमें पत्तियाँ आ गई हैं पूरी। और मेरी देखिए जो कली थी पूरी एकदम आज तो खिली जाएंगी, ये धूप मिलते ही दोपहर तक खिल जाएंगी ये। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप फर्टिलाइजर, आप इसे लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इसको हमने कंपोस्ट खाद दी हुई है तो फर्टिलाइजर ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको समय से आप पानी देते चाहिए, बस ओवर वाटरिंग ना करें, इससे पौधे ख़राब हो सकते हैं। ये 25 दिन के बाद का वीडियो है। और देखिए प्रॉपर इसमें सारी पत्तियाँ निकल आई हुई हैं। बस ये जब मेच्योर हो जाएंगी मेरी कटिंग, तब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप लोग देसी गुलाब लगा सकते हैं। और ये गुलाब का सीज़न ही है, ठंडी का मौसम गुलाब में पूरी फ्लावरिंग मोड पे रहती हैं, इसमें गुलाब बहुत ही अच्छे से खिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।